है पाइनएप्पल दोनों। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम एक भात बाजार के नवतरण मित्र मंडल में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे गणेश जो है विसर्जन यहाँ पे विराजमान है और हमारे साथ एक शख्स है। सर आपका नाम? नितेश सोलंकी। हाँ सोलंकी सर, जो मंडल आपने रखा है ये कितने सालों से मंडल है? ये मंडल आज 1970 से है और आज ये साल इसका 50 ईयर्स हमारा पूरा हो रहा है। गोल्डन जुबली ईयर है ये साल हमारा। तो गोल्डन जुबली आपने आज मनाया? हमारा ये गोल्डन जुबली ईयर है, हम इसको बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं। हम अलग अलग प्रोग्राम ले रहे हैं, जैसे कोल्हापुर में अभी पूर आया तो हम लोगों ने 600 किलो यहाँ से चावल गेहूँ पोहे ये भेजे। आज दोपहर को मेडिकल कैंप भी रखा था। आने वाले दिनों में हमारे भंडारे के प्रोग्राम है और भजन के प्रोग्राम है। तो ये जो आपने अभी वहाँ पे जो सहायता भेजी है कोल्हापुर जैसे और भी जगहों पे बाढ़ आई है और काफ़ी लोगों को अभी भी ज़रूरत है, तो आगे भी आपका कुछ प्रोग्राम है कि अभी बस इतना ही रहेगा आपका? नहीं, आगे हमारा ये प्रोग्राम है कि गणेश उत्सव और गणेश समिति एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाली है। गणेश समिति जो ऑल ओवर बॉम्बे की है, उन्होंने हमको ये रिक्वेस्ट भेजी है कि आपकी जो भी सहायता जमा होती है वो डायरेक्ट हम समिति को देवे और वो समिति सारे मंडलों की साथ में इकट्ठा करके वो आगे पूरग्रस्तों को भेजने वाली है। आज आपने एक मंडल बहुत अच्छे से बनाया है, तो इस मंडल के लिए आप लोगों से डोनेशन लेते हो या आप अपने खुद के बल पे करते हो? नहीं, हम हमारे डोनेशन भी लेते हैं, हमारे बल पे भी करते हैं, जो हमारे वेल विशर्स है वो भी हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ देके जाते हैं। इस तरह से हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन जमा होता है और हम ये गणेश उत्सव करते हैं। मंडल के कितने लोग हैं आप? मंडल के हमारे पास 70 पदाधिकारी है और बाकी हमारे पास बाहर से आने वाली जो पब्लिक है, सब टोटल मिला के हमारे पास 200-250 लोगों की संख्या है। आज जो आपने ये कैंप रखा था मेडिकल कैंप, तो ये कैंप आपने सिर्फ ये गणपति उत्सव के हिसाब से रखा है या हर टाइम रखते हैं आप? हर साल गणपति में हमारे 3 कैंप होते हैं, एक मेडिकल कैंप होता है, एक आई चेकअप होता है और एक ब्लड कैंप होता है। भाई आपका नाम? संजय काले। संजय भाई आप किस पोस्ट पे हैं? आप सेक्रेटरी पद पे। तो सेक्रेटरी पे आपने क्या क्या भूमिका निभाई है यहाँ की? यहाँ की भूमिका मतलब जो अभी मंडल का चालू है 50वां साल, उसके अंदर जो हमारा मुफ्त आरोग्य शिविर है, वापस भंडारा है, वापस जो सांगली और कोल्हापुर के लिए जो भेजा है मदद वो है। आगे भी आप और ये मदद भेजने वाले हैं? मदद भेजने वाले, जब भी अभी अध्यक्ष साहब बोले कि समिति की उस समिति के वजह से हम लोग को जो देने गए वो अभी उनका डिसाइड होने के बाद में वो हमको बोलेंगे कि ये भेजने का है क्या करने का, वो हिसाब से हम लोग हमारे जितनी भी ताकत है वो हिसाब से हम लोग उनको भेजेंगे उधर। आगे भी भेजने का आपका इरादा? इरादा है। तो ये कब तक आप जो है जो आपकी समिति है मंडल की, ये कितने सालों से ये कर रही है? ये समिति मेरे अभी 50 सालों से, मतलब हम लोग को अभी हो गया कम से 15-16 साल हम लोग को खुद को मंडल में हो गया है, तब से चालू है हमारा। जैसा हमारा जो प्रोग्राम सांस्कृतिक रहता है, बाकी जो शैक्षणिक रहता है, जो हिसाब से हमारा चलता है वो हिसाब से हम लोग करते, जो मंडल की अपनी ताकत है वो हिसाब से। आज मुंबई में काफ़ी बारिश हो रही है, बारिश एक तरीके से, तो इसमें आपको कुछ दिक्कत आती? दिक्कत तो वैसे आ रही है बारिश की वजह से, मगर अभी जो बोलते हैं ना भगवान का जो रहता है वो हिसाब से हम लोग चला रहे हैं मंडल हमारा। कितने भक्त लोग रोज़ के आते हैं आपके यहाँ? यहाँ पे भक्त लोग नहीं बोले तो अभी मार्केट एरिया है वो हिसाब से भक्त लोग अभी नहीं बोले तो अभी 500-600 के आसपास हमारे यहाँ से भक्त लोग आते जाते रहते हैं। जो आपके इधर जो डोनेशन जमा होता है भक्तों का, उसमें आप लोगों की मदद करते हैं? मदद मतलब ये तो गए साल थोड़ा किया था, ये साल अभी वापस है, जो अभी दान पेटी में जो जमा हो रहा है वो हिसाब से जितना जमा आएगा वो हिसाब से हम लोग करेंगे आगे, जो मदद देने की क्या डोनेशन देने का है, किनको क्या करने का है, वो सब लोग अभी मिल के देख के बात करेंगे हम लोग। भाई का कहना है जैसे कि आगे भी हम लोगों की मदद करते रहेंगे ऐसे ही। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बॉम्बे प्रेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।